नमस्कार, आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स और मैं हूं संगीता सिंह। अयोध्या में सदियों से चले आ रहे राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने फैसला सुनाते हुए अयोध्या की विवादित जमीन को राम जन्मभूमि न्यास को सौंपा है। साथ ही मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में अलग से 5 एकड़ जमीन देने का फैसला सुनाया गया है। ऐसे में आपको रामलला विराजमान के लिए दशकों लंबी लड़ाई लड़ने वाले राम जन्मभूमि न्यास के बारे में बताते हैं, जिसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। राम जन्मभूमि न्यास अयोध्या में राम मंदिर जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण को बढ़ावा देने और उसको देखरेख करने के लिए एक ट्रस्ट के रूप में गठित किया गया एक संगठन है। इसकी स्थापना विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों द्वारा 25 जनवरी 1993 को एक स्वतंत्र ट्रस्ट के तहत की गई थी। रामचंद्र दास परमहंस राम जन्मभूमि न्यास के प्रमुख थे। कारसेवकपुरम में मंदिर निर्माण के लिए चलने वाली वर्कशॉप का संचालन इसी की देखरेख में होता है। 1989 के आम चुनाव से पहले विश्व हिंदू परिषद के एक नेता और रिटायर्ड जज देवकी नंदन अग्रवाल ने 1 जुलाई को भगवान राम के मित्र के रूप में 5वां दावा फैजाबाद की अदालत में दायर किया था। इस दावे में स्वीकार किया गया था कि 23 दिसंबर 1949 को राम चबूतरे की मूर्तियां मस्जिद के अंदर रखी गई थी। इसके साथ ही ये स्पष्ट दावा किया गया कि जन्म स्थान और भगवान राम दोनों पूज्य है और वही इस संपत्ति के मालिक भी हैं। इस मुकदमे में मुख्य तौर पर इस बात का उल्लेख किया गया था कि बाबरी मस्जिद बाबर के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी, जो कि एक पुराने राम मंदिर के ऊपर बनाई गई थी। दावे के समर्थन में कई इतिहासकारों और पुरातात्विक साक्ष्यों का हवाला दिया गया था। इसी मुकदमे में पहली बार कहा गया था कि राम जन्मभूमि न्यास इस स्थान पर एक विशाल मंदिर बनाना चाहता है। इस दावे में राम जन्मभूमि न्यास को भी प्रतिवादी बनाया गया था। अशोक सिंघल इस न्यास के प्रमुख पदाधिकारी थे। इस तरह पहली बार विश्व हिंदू परिषद भी परोक्ष रूप से पक्षकार बना। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अयोध्या के विवादित स्थल को राम जन्मभूमि करार दिया था। हाईकोर्ट ने 2.77 एकड़ जमीन का 3 हिस्सों में बंटवारा कर दिया था। कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच जमीन को बराबर बांटने का आदेश दिया था। अब हाईकोर्ट के फैसले के 9 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने सर्वसम्मति से ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने जहां हाईकोर्ट के विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांटने के फैसले को तार्किक नहीं माना, वहीं केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वो मंदिर निर्माण के लिए 3 महीने में ट्रस्ट बनवाए। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अयोध्या में विवादित जमीन के मालिकाना हक की सदियों पुरानी लड़ाई भी खत्म हो गई है। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा है ये बताने के लिए हमें कमेंट कीजिए। हमारा वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको लगातार मिलते रहें।